हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो मैं हूँ सोनी। तो ये सुबह मॉर्निंग का समय है, तो आज मैंने घी गांव से मंगाया था गेहूँ, जिसमें काफ़ी ज़्यादा कचरा था। वैसे तो मैंने गांव पे 6-7 बोरा, सब शादी में गई थी तो गेहूँ धुल के रख दिया था, तो पूरा मई जून तक चल जाता है और फिर जून में जाके मैं धुल देती हूँ तो बरसात भर चल जाता है। लेकिन पता नहीं गेहूँ क्या हुआ, कुछ पता ही नहीं चला। तो फिर हस्बैंड गए थे तो 1 बोरा ले आए थे धुलने वाला गेहूँ, तो बस उसी को मैं धुल रही थी। पूरे 50 किलो के लगभग था और इस बार गेहूँ में काफ़ी ज़्यादा कचरा है। और हम लोग जो है घर का ही गेहूँ चावल कर खाते हैं, क्योंकि हम लोग के यहाँ खेती है। तो बाहर मार्केट का जो आटा आता है वो मुझे पसंद नहीं आता है, वो मतलब लगता है कि मैदा है। तो घर का जो भी चीज़ें होती है वो शुद्ध होती है, थोड़ी सी मेहनत तो लगती है लेकिन घर का सामान शुद्ध होता है। तो मैंने पूरे 4-5 पानी से एक एक बार धुला था और देखिए कितने सारे गेहूँ हैं, 50 किलो के लगभग। फिर 2 डबल बेड का चादर मैंने बिछा दिया था। देखिए गेहूँ धुल के आ रहे हैं छत पे, पूरा 1 बोरा यानी 40 किलो के लगभग था। काफ़ी ज़्यादा धूप तेज हो गई, 8 बजे से धूल रही, इतना ज़्यादा गंदा है कि मतलब क्या बताया जाए। इस बार के गेहूं में मिट्टी बहुत ज़्यादा थी, गांव से मतलब जाके ले आए थे तो अभी धुल के डाले हैं, क्योंकि जो है शादी में जो गेहूं धुले थे पता नहीं क्या किया है लोग, ख़त्म हो गया। जबकि ज़्यादा 6 बोरा तक हम धुले थे कि पूरी मतलब मई जून तक चला जाएगा, फिर जून में गाँव जाएंगे तो धुल लेंगे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ है। तो फिर गए तो 1 बोरा लाए हैं, तो बस उसको धुल के डाले हैं। 2 महीना जाएगा उसके बाद फिर आएगा। चलिए अभी नाश्ता भी कोई नहीं किया है तो बना लेते हैं, तो बनाएंगे सत्तू का पराठा। सुबह हस्बैंड के लिए बनाए थे, खा के गए, बाकी का बना लेते हैं। ये सब करने में बच गए थे 11, तो फिर मैं आई थी तो मैंने सत्तू तैयार कर दिया था, साथ में आटा भी गूंथ के रखा था, क्योंकि हस्बैंड को नाश्ता दे दिया था, वो चले गए थे। फिर बच्चों के लिए मैंने बना लिया था, क्योंकि नहा तो मैं सुबह ही ली थी, तो मैंने बनाया था सत्तू का पराठा साथ चटनी और सॉस के साथ, साथ में चाय था। दोपहर के लिए मैंने दाल भी बैठा दिया था, तो दोपहर में दाल चावल और सिंपल सा आलू का चोखा बना लेंगे। तो इस समय मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं रही है, फीवर टाइप में हो रहा है, मौसम बदल रहा है, तो इस वजह से सर्दी जुकाम बुखार, एकदम काम करने का मन नहीं लगता है, अजीब तरह की मतलब थकान लगती। फिर शाम हो गई थी, धूप इतना तेज था, गेहूँ सूख गया था। फिर मैंने उसको अच्छे से आँख फटक के रख दिया था और पिसाने के लिए भी भेज दिया था। और ये धनिया भी मैंने सुखाया था थोड़ा सा, एक बार और सुखाया था जो वीडियो बनाया था मैंने, फिर दूसरी बार भी सुखा लिया। पूरी गर्मी के लिए मैंने धनिया स्टोर करके रख लिया है सुखा के, जिस तरह कसूरी मोती होती है, काफ़ी अच्छे से सूख जाता है, छाया में इसको सुखाया जाता है। मैंने इसको वीडियो डाला था, तो बस ये भी मैंने तुरंत ही इसको निकाल के इसको डब्बे में भर के रख दिया था, डंठल उसका सारा निकाल के बस जो है उसको रख दिया था। तो ये हो गया था, शाम हो गई थी, सारा आज पूरे दिन तबीयत ख़राब थी लेकिन काम करते करते मतलब हो गया था। फिर माँ ने मेरे भेजा था बकला, जो मैंने शादी के पहले खाई थी, यानी 20 साल बाद मैंने ये सब्ज़ी खाई थी, और धनिया भी भेजी थी ताज़ी ताज़ी, तो बस उसको मैंने तोड़ लिया था। इधर मैंने मसाले गर्म ख़त्म हो गए थे तो उसको थोड़ा सा भून के गर्म मसाले पीस के रख दो तो घर के मसाले टेस्टी होते हैं। कभी भी मैं गरम मसाला घर का ही यूज करती हूँ। तो ये देखिए तैयार हो गया था, तो 10 दिन के लिए बन गई थी, गरम मसाला रख दिया था उसको। फिर इधर सब्जी मैंने जीरा और प्याज का तड़का लगा दिया था और साथ में एक आलू भी डाला था, बकला डाल दिया था। बोड़े की तरह ये छोटा छोटा होता है, गाँव में ज़्यादा लोग बोते हैं, और ये व्रत वाला होता है, व्रत में इसका जो बीज होता है उसका जो है बना के लोग टिक्की की तरह भी खाते हैं। फिर टमाटर डाल दिया था, मसालों में वही धनिया जीरा काली मिर्च का पाउडर गरम मसाला डाल के बनती है, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी यमी सब्ज़ी बनती है। और मार्केट में बहुत कम ये दिखता है, मुझे कभी दिखता नहीं है, जब भी कोई आता है तो इस बार जब गांव में रहते थे अपने ससुराल में तो वहाँ पर भी बहुत कम ये होता है, लेकिन मेरे मायके में काफ़ी ज़्यादा हम लोग शादी पहले खाते थे, तो माँ ने वही भेजा था। तो जो भी चीज़ें होती हैं वो भेज देती है, तो काफ़ी अच्छी सब्ज़ी बनी थी। इसके साथ मैंने चावल भी बनाया था, साथ में रोटी भी बनाई थी। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरा कोई भी वीडियो आप तक पहुंच सके। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और जो है नई नई ब्लॉग के लिए मैं डेली का डेली ब्लॉग बनाती हूँ, तो इसमें भतीजे की शादी वाला ब्लॉग डाल रही हूँ, क्योंकि शादी में डेली जाते थे आते थे, तो थोड़ा बहुत अभी 1-2 वीडियो है तो उसको भी, अभी शादी 1-2 दिन पहले ही ख़त्म हुई है तो डाल देंगे। तो ये आज का वीडियो है, साथ में मैंने जो है सब्जी बन चुकी थी, इधर रोटी बना ली थी सिंपल सी रोटी, इसके साथ गेहूं के आटे की रोटी ही अच्छी लगती है, पराठों के साथ भी खा सकते हैं लेकिन रोटी काफ़ी ज़्यादा गर्मा गर्म टेस्टी लगती है इसके साथ। साथ में मैंने जो है चावल भी बनाया था, तो बस ये हो गई थी, तो ये मैंने रात में बनाया था, तो ये हो गया था हमारा दिन भर का रूटीन। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। और फिर ये सुबह में हो गई थी तो मॉर्निंग में बनाया था मैंने सूजी का हलवा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, कहाँ है, 9:30 हो गया है,
तो आज बेटे का एडमिशन है, तो अभी उस रात में ही बोला था कि हलवा बना देना। उसे हलवा काफ़ी ज़्यादा पसंद है, चाहे आटे का हो चाहे सूजी का हो, तो बोला था सूजी का बनाने के लिए। बेटी भी बोली थी, अब उठ रहे हैं सब धीरे धीरे, आज उसका करवाना है एडमिशन। तो हस्बैंड भी आज रुके हुए हैं क्योंकि कापी किताब लेना रहता है, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब, तो देखिए वो दोनों लोग जाते हैं कि हम भी जाते हैं, बोल रहे हैं जाने के लिए। और क्या है, कितनी महंगी पढ़ाई हो गई है कि एकदम टेंशन। इस महीने में इनकम टैक्स भी कट गया और उसके बाद ये सब एडमिशन आती बहुत ज़्यादा एकदम, मतलब इस समय काफ़ी ज़्यादा टेंशन है। तो 2 महीने पैसे को लेकर काफ़ी टेंशन रहती है, काफ़ी ज़्यादा महंगा फीस हो गया है, बच्चों का एकदम पढ़ाना मुश्किल हो गया है, 2-2 बच्चों 3-3 बच्चों को। लेकिन खैर उसी में सब कुछ करना ही है किसी भी तरह जोड़ गाँट के। तो बस ये बन चुकी है, अभी हस्बैंड आज घर पे हैं तो बोले हैं मटर का निमोना बनाने के लिए, तो अभी जा रहे हैं उसको पीसने। तो आज बनाएंगे निमोना, चावल रोटी और सब सूखी सब्जी, उस पर खाते हैं लोग, अच्छा लगता है, वो बनाने जा रहे हैं। तो वीडियो कल से शुरू किए थे क्योंकि कल गेहूँ धोए थे काफ़ी ज़्यादा, कल भी काम किए। तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है क्योंकि सर्दी जुकाम बुखार जैसे लग रहा है, हमेशा लग रहा है कि सोई रहे, नींद आ रही है बहुत ज़्यादा। लेकिन काम तो जो भी है ज़रूरी, उसको करना ही पड़ेगा। तो बस यही है, तो वीडियो बहुत थोड़ा सा बनाए थे क्योंकि तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तो इस वीडियो को यहीं पर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते बाय।